Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. हम पढ़ रहे हैं CBSE class 8 का chapter coal and petroleum और अभी तक हमने इस chapter में जो भी अभी तक के lectures हो गए हैं उसमें ये discuss किया कि coal and petroleum दोनों ही exhaustible natural resources होते हैं. फिर हमने डिटेल डिस्कशन की कोल के ऊपर, सीखा कोल कैसे फॉर्म होता है, कोल के क्या यूजेस होते हैं, कोल से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैसे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने पेट्रोलियम पे एक डिस्कशन शुरू की थी जिसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया कि पेट्रोलियम क्या होता है, कैसे पेट्रोलियम फॉर्म होता है, क्यों पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल है, और फिर हमने ये अंडरस्टैंड किया कि पेट्रोलियम को अगर हमें ऑब्टेन करना है तो हमें डीप सरफेस, डीप अंडर द अर्थ हमें ड्रिल करना पड़ता है, ऑयल वेल्स को डिग करना पड़ता है और वहां से हमें पेट्रोलियम मिलता है. अब उसके बाद क्या करना है जब हमें पेट्रोलियम मिल गया, वो हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे जहां हम पढ़ेंगे अबाउट द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. So I hope you have watched all the previous 5 lectures before watching this lecture. और आज के इस lecture की बहुत important discussion, the refining of petroleum. तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई. मैं हूँ डॉक्टर रितु जौहर, आपकी educator from the channel H2O, and I hope you are going to enjoy your learning with me. So हमने अभी तक petroleum के बारे में ये पढ़ा कि पेट्रोलियम मिक्सचर होता है, बहुत सारे उसके अंदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम गैस होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है और बहुत सारे ऐसे और भी कंपोनेंट्स हैं. तो अगर हमें इनको अब सेपरेट आउट करना है फ्रॉम पेट्रोलियम तो उस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग बोलते हैं. और इसको हम यहाँ पे कैरी आउट करते हैं, हम इसको एक पेट्रोलियम रिफाइनरी में कैरी आउट करते हैं. तो ये वाला जो लास्ट पिक्चर है, दिस इज अ पेट्रोलियम रिफाइनरी. सो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इनटू इट्स मोर यूजफुल फ्रैक्शंस. The separation of petroleum into the different fractions is done by the process of fractional distillation. ठीक है, तो हमने पेट्रोलियम से बहुत सारे वेरियस सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करना है. उन प्रोसेस जिससे हम उसे ऑब्टेन करते हैं उसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं. अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो इसके बारे में आपको अगर ब्रीफली बताओ तो जब हमें पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करनी है तो पेट्रोलियम एक लिक्विड है, ठीक है, और हर एक लिक्विड का एक डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट होता है. ठीक है, तो हर एक लिक्विड का क्या होता है, एक डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट होता है. बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे एक लिक्विड अपनी वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, लिक्विड टू गैस बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर को अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और स्टीम क्या होती है, गैस होती है. ठीक है, तो हर एक लिक्विड के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पे वो अपनी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. तो अब ये जो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल है इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ये उन सब कंपोनेंट्स का एक मिक्सचर है. अब उस मिक्सचर में से उन सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस का प्रिंसिपल को यूज करने वाले हैं कि हम उसको हीट करते जाएंगे और जब जिस फ्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा वो वेपर स्टेट में वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और हम उसके वेपर्स को अलग से इकट्ठा कर लेंगे. फिर अगला का टेम्परेचर आ जाएगा तो फिर हम उसको इकट्ठा कर लेंगे, एंड सो ऑन. ठीक है, सो द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम और द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट द डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस. ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि ये
एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है जिसके अंदर हम पेट्रोलियम का फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन करते हैं। तो इधर से आपने क्रूड ऑयल को डाला, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल को डाला और हीटिंग फर्नेस में उसको हीट करना शुरू किया और ये अलग अलग लेवल्स पे क्या होगा, अलग अलग लेवल्स पे पेट्रोलियम अपने डिफरेंट फ्रैक्शंस पे डिस्टिलेट होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने जब इसको हीट करना शुरू किया तो सबसे जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस होगा, जब से जल्दी जो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा वो सबसे ऊपर राइज कर जाएगा और सबसे जल्दी राइज कर जाएगा। ठीक है, तो वो सबसे जल्दी राइज करने वाली चीज क्या है, पेट्रोलियम गैस, जो कि 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ही इसको हीट करने पे ऑब्टेन हो जाएगी। और यहाँ पे लिखा है C1 to C4, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, बस अभी आप अंडरस्टैंड करो पहले डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स जो कि हमें मिल रहे हैं। तो 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से पहले ही हमें पेट्रोलियम गैस मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप 40 टू 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रेंज में देखोगे तो यहाँ से एक ओपनिंग हमने बना दी उन सब्सटेंसेस के लिए जो कि अब 40 टू 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे मिलेंगे। तो ये क्या है, वेल यहाँ पे हमें मिलेगा गैसोलीन। उसके बाद 150 टू 220 डिग्री सेल्सियस पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा केरोसिन। डीजल 220 टू 300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट होगा उनका, तो वो इस फेज में अपने वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे। लुब्रिकेटिंग ऑयल का वेपर फेज कब आएगा, दैट विल बी 370 डिग्री सेल्सियस, और बाकी का जो बच जाएगा दैट इज रेजिड्यू एंड एस्पार्ट एटसेट्रा। ठीक है, अब ये C1 टू C4 क्या है, वेल जितने भी ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये भी क्या होते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, हमने कोक के बारे में पढ़ा था, आई होप आप लोगों को याद है कि कोक वाज 98% कार्बन। ठीक है, और अगर हमने कोल की बात की थी तो कोल क्या था, कोल वाज आल्सो हैविंग अ लार्ज कार्बन कंटेंट, इसीलिए हमने उस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल के बारे में कहा था कि हम उसको कार्बनाइजेशन कहते हैं। तो वेल यहाँ पे भी पेट्रोलियम के ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है और साथ में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इनको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अब अगर इन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इन हाइड्रोकार्बन्स के, चाहे आप ये अंडरस्टैंड करो कि जैसे आपके पास एक ड्रॉप है पानी की, तो उस पानी की एक ड्रॉप में वाटर के बहुत 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 सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि एक बूंद पानी में 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं पानी के। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे पेट्रोलियम के केस में भी अगर एक मॉलिक्यूल को देखोगे, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अगर आप एक मॉलिक्यूल की स्टडी करोगे तो आपको एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन के एटम मिलते हैं वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो C1 to C4 लिखा है इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ पेट्रोलियम गैस में हमें 1 to 4 कार्बन के एटम मिलेंगे, गैसोलीन के केस में 4 to 12 मिलेंगे, केरोसिन के केस में 14 to 16 कार्बन के एटम प्रेजेंट होंगे एक मॉलिक्यूल में, डीजल के केस में 15 to 18 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एक मॉलिक्यूल में, लुब्रिकेशन ऑयल में C19 एंड अबव, और रेजिड्यू में इट इज गोइंग टू बी मोर देन 25 कार्बन एटम्स एंड अबव। ठीक है, तो हमने क्रूड ऑयल को लिया, उसको हीटिंग फर्नेस में हीट किया, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस है उनका डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंज है। ठीक है, एक रेंज है जिसके अंदर उनके अंदर जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होती हैं वो बाहर निकल रही हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं गैसोलीन के बारे में बात करूं तो 40 से 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बीच में जितनी भी सब्सटेंसेस का वेपर फेज आ रहा है उसको हम यहाँ से बाहर ले और उसे हमने बोला कि ये गैसोलीन है। राइट, सो इस तरीके से हमने डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस में डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम को सेपरेट आउट किया। ओके, सो दिस रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट इन अ ऑयल रिफाइनरी।
and the various useful fractions obtained from the refining of petroleum gas. They are petroleum gas, petrol, kerosene, diesel, lubricating oil, paraffin, wax, bitumen, etc. सो वेरियस फ्रैक्शंस क्या थे जल्दी से लिख देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड बिटुमेन, जिसके बारे में हम वन बाय वन अब डिस्कशन करेंगे. सो सबसे पहली फ्रैक्शन जो हमें ऑब्टेन होगी पेट्रोलियम को हीट करने पे, वेल वो है पेट्रोलियम गैस, विच इज गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड एट अ टेम्परेचर लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस. और अब इसके यूजेस क्या हैं? तो पेट्रोलियम गैस को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं दोनों घरों में भी और साथ में इंडस्ट्री में भी. और अगर आप लोगों को याद हो या मालूम हो तो पेट्रोलियम गैस इज यूज एज अ फ्यूल एज सच इन द फॉर्म ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG. तो ये आप सब लोगों ने सिलेंडर्स को देखा हुआ है, इसमें पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई करके उसका लिक्विड बना के, कैसे उसका लिक्विड बनाते हैं, उसको हम इन सिलेंडर्स में अंडर हाई प्रेशर डाल देते हैं. ठीक है, तो जब बहुत ही हाई प्रेशर हो जाता है तो ये जो गैस होती है ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. और फिर हम जब इसे अपनी कुकिंग गैसेस के साथ कनेक्ट करते हैं, जो स्टोव होता है या कुकिंग रेंज होती है जो उसके साथ जब हम उसको कनेक्ट करते हैं और फिर जो उसका नॉब ऑन करोगे तो वेल वो अब ओपन हो जाएगा, ये गैस का सिलेंडर, उसका प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, प्रेशर कम करने पे वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाने पे वो लिक्विड में कन्वर्ट करता है, तो वो गैस की तरह बर्न करेगा और हमारे जो खाना है उसको गर्म करेगा. ठीक है, सो दिस इज द पेट्रोलियम गैस. नेक्स्ट है पेट्रोल. तो पेट्रोल के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हो. तो पेट्रोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एट अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 40 टू 150 डिग्री सेल्सियस. और पेट्रोल को हम कहाँ पे यूज करते हैं, एज अ फ्यूल यूज करते हैं लाइट मोटर व्हीकल्स लाइक कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एटसेट्रा. आप सब लोग भरवाते हो तो आप लोगों को मालूम ही है. एंड पेट्रोल दिस इज आल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग. ठीक है, तो ड्राई क्लीनर्स इसको जो ड्राई क्लीन करते हैं कपड़े उसके लिए यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है केरोसिन. सो केरोसिन दिखने में कुछ इस तरीके का होता है एंड देन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एट अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 150 टू 220 डिग्री सेल्सियस. केरोसिन इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द विक स्टोव्स एंड प्रेशर स्टोव्स टू कुक द फूड. तो इस तरीके पुराने जमाने में और कुछ लोग अभी भी इसको यूज करते हैं, तो उसमें केरोसिन ऑयल को इस स्टैक में फिल किया जाता है और फिर यहाँ से उसको बर्न करते हैं और हम अपना खाना बनाते हैं इस पे. सो केरोसिन इज ऑल्सो यूज इन द लैंटर्न्स फॉर द लाइटिंग पर्पजेस. एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट केरोसिन जो कि आपको याद रखनी है वो ये है कि एक स्पेशल ग्रेड ऑफ केरोसिन ऑयल होता है विच इज यूज एज द एविएशन फ्यूल इन द जेट एरोप्लेन्स. ठीक है, तो जो एरोप्लेन्स होते हैं उसके अंदर जो फ्यूल यूज होता है विच इज कॉल्ड एज द एविएशन फ्यूल, वेल दैट इज वन टाइप ऑफ केरोसिन ऑयल. ओके, नेक्स्ट क्या आता है डीजल. तो डीजल दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एट अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 220 टू 370 डिग्री सेल्सियस. And diesel, this is used as a fuel for heavy motor vehicles like buses, trucks, tractors, diesel train engines, etc. Right? And diesel, this is also used to run the pump sets for the irrigation in agriculture and in the electric generators to produce electricity on a small scale. ठीक है? तो agriculture में जहाँ पे farmers ने अपने crops को पानी देना होता है तो वहाँ पे वो पंप वाटर पंप्स होते हैं, तो उन वाटर पंप्स को रन करने के लिए ये डीजल को यूज किया जाता है. और सिमिलरली जो जनरेटर्स होते हैं उसके अंदर भी यूज किया जाता है. तो अगर आप अपने घर में जनरेटर लगा रहे हो या फिर कोई छोटी सी आपकी फैक्ट्री हो तो वहां पे आप अगर जनरेटर लगा रहे हो, किसी शॉप पे जनरेटर लगा रहे हो, तो वहां पे हम डीजल को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो नेक्स्ट आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल.
जिसे हम ऑब्टेन करते हैं पेट्रोलियम से एट अ टेम्परेचर रेंज अबव 370 डिग्री सेल्सियस, और इसे हम यूज करते हैं फॉर द लुब्रिकेशन इन द मशीन्स एंड इंजन्स लाइक द कार इंजन्स। तो कार इंजन्स के लिए भी ये लुब्रिकेटिंग ऑयल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि जब वेरियस पार्ट्स मूव करते हैं तो ये उन पार्ट्स को लुब्रिकेट करता है, उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होती है, वो आपस में रगड़ खा के खराब नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। सो नेक्स्ट फ्रैक्शन है पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन वैक्स को हम यूज करते हैं कैंडल्स बनाने के लिए, वैसलीन ऑइंटमेंट्स, वैक्स पेपर, ग्रीस, और इसे भी हम पेट्रोलियम से ही ऑब्टेन करते हैं। और लास्टली है बिटुमिन। सो बिटुमिन आप लोगों को मैंने बताया था जब हम कोल टार के बारे में पढ़ रहे थे कि पहले हम मेटल सर्फेसिंग ऑफ द रोड्स के लिए क्या को यूज करते थे, कोल टार को यूज करते थे, और अब लेटली हम बिटुमिन को यूज करते हैं, एंड बिटुमिन इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, तो बिटुमिन दिस इज यूज फॉर रोड सर्फेसिंग। इसको हम ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए यूज कर सकते हैं, हम रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स की वाटर प्रूफिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इट इज यूज इन द मेकिंग ऑफ ब्लैक पेंट्स, एंड प्लीज डू रिमेम्बर ऑल द फ्यूल्स सच एज पेट्रोल गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। तो जो जिससे हम इन्हें ऑब्टेन कर रहे हैं अगर वो फॉसिल फ्यूल है तो ये ऑटोमेटिकली सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स हो गए। तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आए और उसमें पूछा हो कि पेट्रोल, केरोसिन, आपको ये चॉइसेस गिवन हो और आपको बताना हो कि इनमें से कौन से फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो आप उसको मार्क ना करें। ठीक है, सो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो डू रिमेम्बर ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल and petroleum, they all are going to be fossil fuels. So finally, just revising all the concepts, LPG को हम use करते हैं for the fuels for home and industry, petrol को हम use करते हैं motor vehicles के लिए, ठीक है, aviation fuel के लिए भी इसको use करते हैं, it is used for the solvent for dry cleaning also. फिर kerosene, kerosene को हम use करते हैं fuels for the stoves, lamps and for the jet aircraft. डीजल को हम यूज करते हैं फॉर द हैवी वाटर व्हीकल्स के लिए फ्यूल और साथ में इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के लिए। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के काम आता है, पैराफिन वैक्स ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वैसलीन बनाने के काम आता है, बिटुमिन काम आता है पेंट्स बनाने के, रोड सर्फेसिंग, वाटर प्रूफिंग ऑफ द रूफ पेंटिंग्स। ठीक है, सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को आज इस लेक्चर में कितने सारे यूजेस पता लगे पेट्रोलियम के। तो पेट्रोलियम में से बहुत सारे कंपोनेंट्स निकलते हैं और हमने आज उन कंपोनेंट्स के बारे में अंडरस्टैंड किया। तो अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में थोड़ा और डिटेल में, क्योंकि हम इसे बहुत इम्पोर्टेंटली अपने घरों में यूज करते हैं कुकिंग के लिए, तो इसके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अभी और चाहिए। तो वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अभी तक के लिए आपको क्या करना है, अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू दैट, क्योंकि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं सब डिटेल्ड लेक्चर्स फॉर योर क्लास। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करें, एंड डू लाइक इट, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।